नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दियोरबन नक्सल। दोस्तों, बिल्डर्स कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और बैंक्स भी क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर डालते हैं। एक प्रॉब्लम जिसका हमने ज़्यादा चर्चा नहीं किया, उसका नाम है NOC या ट्रांसफ़र फी। बिल्डर का NOC, जहाँ पर बिल्डर ट्रांसफ़र फीस चार्ज करता है, अपने ही इन्वेस्टर से, अपने ही बायर से ट्रांसफ़र फीस लेना चाहता है। अगर अपना बायर यानी बिल्डर का बायर फ्लैट बेच के जाना चाहता है, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख चार्ज करते हैं अपने बायर से NOC के लिए। किस चीज़ का NOC? फ्लैट बेचने का NOC। ये प्रॉब्लम हम विस्तार में डिस्कस करेंगे, इसके कई सारे पहलू हैं। एक ये है कि फ्लैट बायर ने ओनरशिप यानी कि अग्रीमेंट फॉर सेल तो किया ही है, शायद सेल डीड भी कर दिया होगा और शायद पोजेशन भी ले लिया होगा, लेकिन बिल्डर ने सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया है, मेंटेनेंस बिल्डर ही कर रहा है। और बिल्डर कहता है, जब तक मैंने सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया है, तब तक मैं सोसाइटी के जगह में हूँ। बैंक्स NOC क्यों मांगते हैं? अगर किसी प्रॉपर्टी को होम लोन देना है, वो होम उनके पास मॉर्गेज रखा जाएगा, गिरवी रखा जाएगा, तो बैंक्स कहते हैं, हमको जानना है कि इसका टाइटल क्लियर है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई ड्यूज नहीं है, सोसाइटी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके आओ। इस तरह से बैंक्स मांगते हैं। और बैंक्स कभी कभी कहते हैं, अच्छा सोसाइटी नहीं है तो फिर बिल्डर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके आओ या NOC लेके आओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि फ्लैट बायर जिसने बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, वो पूरी तरह से उसका ओनर है, उसको टाइटल मिल चुका है, यानी ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से फ्लैट ओनर का है। फिर भी बिल्डर कहता है, मेरे NOC के लिए मैं चार्ज करता हूँ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए? भाई फ्लैट बेचने के लिए। उनका परमिशन क्यों चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूँ, बैंक कह रहा है, आपको मेरा परमिशन चाहिए तो दो 25 लाख। ये टाइप के सिचुएशन में आके लोग फंस जाते हैं। अब 25 लाख देने में क्या दिक्कत है या 5 लाख देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो सेलर है, या तो वो सेलर वो 5 लाख या 25 लाख उसमें जोड़ देगा, प्रॉपर्टी के प्राइस पे जोड़ देगा, और बायर कहेगा, यार ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों पे करूं, तो वो पे नहीं करेगा तो डील ब्रेक हो जाएगा। यानी प्राइस को बढ़ा देता है, आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ा देता है, ये एक प्रॉब्लम है। या फिर सेलर उस लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगा, 5 लाख या 25 लाख या जो भी है NOC के लिए जो ट्रांसफ़र फीस देने पड़ते हैं, जो बिल्डर चार्ज कर रहा है, खुद अपने ऊपर ले लेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग कुछ कमा नहीं पाते हैं। इन्वेस्टर या बायर ने फ्लैट में रिस्क लिया था, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसे डालते, बिल्डर पे भरोसा किया था, और उस भरोसे के बदले में वो चाहता है, या उस रिस्क लेने के बदले में वो चाहता है कि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ 1.25 करोड़ में उसको पड़ा था, अब वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बेचना चाह रहा है, मार्केट डिफिकल्ट है, उसे कस्टमर्स मिलते नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से वो एक कस्टमर को लेके आता है, एक बायर ले आता है, और बायर कहता है, ठीक है मैं होम लोन लूंगा। होम लोन के लिए वो बैंक के पास जाता है, बैंक कहता है NOC ले आओ। किसका NOC? भाई सोसाइटी का NOC। वो कहता है सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है, तो फिर बिल्डर का NOC। सेलर के पास जाता है, सेलर कहता है ठीक है मैं NOC ले आऊँगा। NOC के लिए वो बिल्डर के पास अप्रोच करता है, बिल्डर कहता है ट्रांसफ़र फीस चाहिए, मेरा लमसम अमाउंट है 10 लाख, दे दो। अब सेलर सोचता है, यार इतना सब मेहनत करके मैंने कोशिश किया और ये बिल्डर ऐसे ही 10 लाख लेके जा रहा है मेरी मेहनत का। बिल्डर कहता है, तुम्हारे प्रॉफिट में से 10 लाख मुझे दे दो,
नहीं दोगे, ठीक है मैं एनओसी नहीं दूंगा, एनओसी नहीं देगा हो सकता है डील रुकेगा। लोग इससे डरते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट लीगल? इट इज नॉट लीगल, ये लीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कई साल पहले, शायद 2010 या 12 या वो टाइम पे एक अच्छा वाला एक जजमेंट आया था कि 25,000 से ज़्यादा कोई भी सोसाइटी या कोई भी बिल्डर वगैरह चार्ज नहीं कर सकता है एज ट्रांसफ़र फीस। 25,000 का कैप लगा दिया था। मान के चलते हैं कि बहुत पुराना जजमेंट है तो 25 का 50 समझ सकते हैं, लेकिन 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये टाइप के अमाउंट्स कैसे जायज़ है? क्यों? प्रॉपर्टी होम ओनर का है, बिल्डर का उसमें कुछ भी नहीं है। बिल्डर को जो पैसे कमाना था वो कमा चुका है, बिल्डर हैज़ नो फर्दर से इन द मैटर। लेकिन अब वो कहता है कि मुझे ट्रांसफ़र फीस दो, और वो ट्रांसफ़र फीस भी कैसे मांगते हैं? कैश में मांगते हैं। ट्रांजैक्शन नाजायज़ है, जो ट्रांजैक्शन है वो लीगल नहीं है। इलीगल ट्रांजैक्शन के ऊपर वो लोग कमा रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन का कोई नेचर नहीं है एनओसी के लिए। एनओसी क्या कहता है? एनओसी कहता है वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू द फ्लैट ओनर सेलिंग द फ्लैट, ये है एनओसी। ही हैज टाइटल, ही हैज पोजेशन, ही कैन सेल द फ्लैट। ऑब्जेक्ट करने का तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, बिल्डर के पास कोई राइट नहीं है। लेकिन बिल्डर कहता है नहीं वो सब तो ठीक है, वो पता नहीं, मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए बिल्डर ने या बिल्डर के आदमी ने अगर किसी तरह का फुसफुस किया आपके कान में कि आप इधर जाओ उधर जाओ, इसको 10 लाख दो, कैश में दो, ये कॉन्फिडेंशियली बोल रहा हूँ, ये टाइप का अगर मामला किया उसने, आप उसे ईमेल में डालो और बोलो, लिखो बिल्डर को ईमेल में, उसके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस या एड्रेसेस पर डायरेक्टर्स का नाम लेके या पार्टनर्स का नाम लेके कि भाई साहब सो एंड सो दिन में मैं आपके ऑफिस में गया था और उसने एनओसी के लिए पैसे मांगे, वो कह रहा है 5 लाख रुपया कैश दे दो, मैं कैश नहीं दूंगा, मैंने आपसे एनओसी मांगा है, एनओसी के लिए इतना ट्रांसफ़र फीस जायज़ नहीं है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र फीस? ये सब सेलर करेगा। बायर क्या करेगा? बैंक के साथ चिट्ठी पत्री करेगा होम लोन के लिए। सेलर क्या करेगा? सेलर बिल्डर के साथ चिट्ठी पत्री करेगा, करेस्पॉन्डेंस करेगा, वो कहेगा भाई साहब ये जायज़ नहीं है, उसे आंखें दिखाओ, ईमेल लिखो, झगड़ा करो, अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग करो प्लीज़, जिससे आपके पास प्रूफ बनता है कि उसने कैश मांगा था। कैश मांगा हो तो आप बोलो कि उसने कैश मांगा है, तुम्हारे ऑफिस के आदमी ने कैश मांगा, मैं इस दिन मिलने गया था, ये टाइम को मिलने गया था इन हिज ऑफिस, उसने कैश मांगा। अगर फ़ोन पे उसने किया तो भाई रिकॉर्डिंग कर लो, लेकिन चलो आपके पास प्रूफ नहीं है मान के चलते हैं, फिर भी आप कहो। ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज अगर वो मानता नहीं है, अब जैसे मैं कह रहा हूँ दो तरफ से आप लड़ रहे हो, एक आप लड़ रहे हो बायर जो है वो बैंक के साथ लड़ रहा है, बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस कर रहा है, सेलर जो है वो यहाँ पर बिल्डर के साथ करस्पॉन्डेंस कर रहा है, और वो कह रहा है भाई साहब ये आपने मांगा था, ये मैं कह रहा हूँ। अब अगर बिल्डर मानता नहीं है, अब मुझे फ़ोन करो, मुझे पहले व्हाट्सएप करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8169471229, मुझे पहले व्हाट्सएप करो, मुझसे बिल्डर ट्रांसफ़र फीस मांग रहा है। अब बायर एंड सेलर साथ में काम करेंगे, दे हैव टू स्टैंड टुगेदर, क्योंकि उनका डील है, उनके डील को टूटने नहीं देना है, वो दोनों काम करेंगे। सेलर कहेगा, सेलर एक छोटा सा वीडियो बनाएगा, बोलेगा ये बिल्डर ने मुझसे 10 लाख रुपए कैश मांगे, मैं कैश नहीं दूंगा। ये सुन के यानी मेरे साथ अब बिल्डर बात ही नहीं कर रहा है, वो एनओसी के लिए कैश मांग रहा है ट्रांसफ़र फीस बोल के, ये इलीगल है, ये सब बोल के आप एक वीडियो बनाओ मैं डाल दूंगा, मैं बिल्डर के पास भेजूंगा।
मैं बोलूँगा भाई साहब ये आदमी ऐसे कह रहा है, सच है या झूठ है। अगर वो कहता है कि झूठ है तो मैं उसके कहने को भी वीडियो में डाल दूंगा कि भाई ये बायर ऐसे यानी होम सेलर ऐसे कह रहा है और बिल्डर कह रहा है ये झूठ है, वो उसको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि 10 और लोग कहेंगे मैंने भी दिया है, मैंने 10 लाख दिए हैं, मैंने 20 लाख दिए हैं इस बिल्डर को, तो वो उसका भांडा फूटेगा, इसलिए वो बिल्डर को हेल्प नहीं करता है। अगर वो कहता है ये झूठ है और मैं पब्लिश करता हूँ, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो आपके साथ सेटल करे, वो आपको कॉल करे और बोलेगा भाई साहब प्लीज़ ये सब मत करो। क्योंकि अगर ये सच है कि वो ट्रांसफ़र फीस में पैसे मांग रहा है, कैश मांग रहा है, अगर तुमसे लिया है तो तुम्हारे जैसे और 10 लोग 20 लोग 50 लोगों से लिया है, अगर ऐसा है तो वो फंस जाएगा, उसके पीछे IT ED सब पड़ जाएंगे। और ऐसे हुआ है और ऐसे मैंने करवाया है, रेड मैंने करवाया है, IT से रेड मैंने करवाया है। कैसे? उन दिनों, ये 2012 की बात है, एक बिल्डर था पवई में, बहुत बड़ा बिल्डर था, वेरी वेल नोन बिल्डर इन अ लोकेलिटी कॉल्ड चांदीवली, और उसने एक पायलट से जो सेलर था, एक किंगफिशर एयरलाइन का पायलट था, वो फ्लैट बेचना चाहता था, तो उसने ऑलरेडी 5 लाख रुपए वसूले थे और ये जो सेलर था उसने इंसिस्ट किया था, उसने बोला था मुझे कुछ तो चाहिए रिसीट में, तो उसने एक एजुकेशनल ट्रस्ट या टेंपल ट्रस्ट, अब मुझे ठीक से याद नहीं है, या तो एजुकेशनल ट्रस्ट था या टेंपल ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के नाम से, अपने ही ट्रस्ट के नाम से एक रिसीट दिया था। अब वो रिसीट मैंने अपने ब्लॉग में रिप्रोड्यूस किया, दिखाया। उन दिनों में मैं वीडियो नहीं बनाता था, यूट्यूब पे नहीं था, लेकिन मैं ब्लॉगर था, तो मैंने आर्टिकल लिखा और वो ब्लॉग में वो ये इमेज दिखाया उसके रिसीट का। कुछ दिनों के बाद मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आया, मिस्टर कृष्णराज राव आपने ये ब्लॉग डाला है, ये इसमें जो हुआ है क्या ये सच है? मैंने कहा बिल्कुल सच है, ये रिसीट है। हाँ, मैंने कहा रिसीट है, और जिस इंसान ने रिसीट लिया पैसे दे के, 5 लाख रुपए दे के, उसका मैं नंबर भी दे सकता हूँ, आप बात कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। वो IT वाले ने, आई थिंक कमिश्नर लेवल का बंदा था, उसने मुझसे नंबर लिया, उसने वेरीफाई किया, वो बिल्डर के ऊपर रेड पड़ गया। कुछ दिनों के अंदर वो बिल्डर पे रेड पड़ा, उसके कई सारे ऑफिसेस लॉक हुए। बाद में ऑफकोर्स वो सेटल हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन रेड पड़ गया, उसके कई दिनों तक उसके ऑफिसेस बंद रहे। तो ये काम हुआ है और ये काम आप करवा सकते हो, तो बिल्डर ये जानता है कि भाई मेरा भारी नुकसान हो जाएगा, बेटर एक काम करो, छोड़ दो ये ट्रांसफ़र फीस, नहीं चाहिए, वो NOC दे दो, NOC दे देगा। तो इस तरह से आप लड़के NOC ले सकते हो। देखिए दोस्तों, अधिकार आपका है, फ्लैट आपका है, मैं अब सेलर की बात कर रहा हूँ, फ्लैट आपका है, आपने जब अग्रीमेंट किया और अग्रीमेंट अमाउंट पूरा दे दिया, कंसिडरेशन वैल्यू पूरा दे दिया बिल्डर को, फ्लैट का टाइटल आपका हो गया, आपने अग्रीमेंट का अपने तरफ से पूरा फुलफिलमेंट कर लिया, फ्लैट का टाइटल आपका हो गया। अगर बिल्डर ने पोजीशन दे दिया, ताबा दे दिया, ताला चाबी दे दिया, तो फिर आपका पोजीशन भी हो गया। टाइटल और पोजीशन के सिवा कुछ भी नहीं होता है, किसी का अथॉरिटी नहीं है। अगर सोसाइटी के आपके कोई ड्यूज नहीं है, तो सोसाइटी का भी अथॉरिटी नहीं बनता है कि वो आपको रोके। आप क्यों रोक रहे हो, किस हक से रोक रहे हो? सोसाइटी के ऊपर भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो। अगर सोसाइटी ने आपसे अनरीजनेबल ट्रांसफ़र फीस मांगा है, कुछ कुछ सोसाइटीज़ में ऐसे होता है, भाई हमारा सोसाइटी बहुत वेल्दी है, हम ज़्यादा मांगते हैं, हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, लेकिन हम 5 लाख रुपया मांगते हैं या
जो भी है 15 लाख रुपया मांगते हैं, इस तरह से वो मांग लेते हैं और कहते हैं लोग तो अपनी खुशी से दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, लोग कोई खुशी से नहीं देते हैं, वो जबरदस्ती से देते हैं। और इनकी जबरदस्ती ये रहती है कि हम NOC नहीं देंगे तो आपका डील ब्रेक हो सकता है। तो अगर आपका सोसाइटी है जबरदस्ती कर रहा है तो आप सोसाइटी से भी लड़ सकते हो। सेम मेथड, एक ईमेल लिखो, सर आपने, और उन्होंने कैश में नहीं मांगा होगा, उन्होंने चेक से मांगा होगा, सर आपने चेक से ये ट्रांसफर फीस मांगा है फॉर द सेक ऑफ NOC, आई एम द सोल ओनर, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आप सोसाइटी हो बेशक बट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है 25,000 वाला, आप इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते हो, इट इज़ इलीगल, मुझे NOC दे दो, यू आर होल्डिंग मी टू रैंसम, आप ज़बरदस्ती यानी फिरौती का पैसा निकाल रहे हो मेरे से, जैसे कि आपने मेरा घर किडनैप कर लिया है और घर को किडनैप करके आप मुझसे फिरौती 15 लाख 25 लाख जो भी है वो मांग रहे हो, इट इज़ नॉट लीगल, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप ईमेल लिखो और उसके बाद अगर ईमेल के बाद भी वो मानते नहीं हैं, भिड़ जाएंगे, पूरी तरह से लड़ जाएंगे उनके अगेंस्ट, वीडियो बनाओ, मैं वीडियो उनको भेजूंगा, भाई साहब आपके बारे में ये कहा जा रहा है, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी घबरा जाएगा और अगर नहीं घबराया तो वीडियो पब्लिश हो जाएगा और वीडियो पब्लिश होगा कॉन्ट्रोवर्सी होगा, कोई भी सोसाइटी और उनके मेंबर, उनके मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का नाम लेके आप पब्लिश करो, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर का नाम लेके पब्लिश करो कि ये ऐसे हो रहा है, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझसे ट्रांसफ़र फीस लेना चाहते हैं, वसूल रहे हैं मुझसे, मैं मेरा डील ब्रेक कर रहे हैं, मेरा नुकसान कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मैं अगर मेरा अमाउंट बढ़ा दूंगा तो बायर चला जाएगा, सौदा एक करोड़ 20 लाख में हुआ है, अब मैं बायर को बोलूंगा नहीं नहीं 1 करोड़ 20 नहीं 1 करोड़ 35 बायर है, वो चला जाएगा, और अगर मैंने नहीं किया तो मुझे जो इसमें से मिलना चाहिए था, जो कमाना चाहिए था, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे आई एम नॉट गेटिंग एडिक्वेटली पेड फॉर माई इन्वेस्टमेंट, ये मेरा लॉस करवा रहे हैं, तो बोथ द वेज मेरा लॉस हो रहा है, ऐसे करूं या वैसे करूं, और ये लॉस का कारण है मेरा सोसाइटी, मेरे मैनेजिंग कमेटी, प्लीज़ मैं पब्लिक से अपील कर रहा हूं, मेरे सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ने में मेरी मदद करो, ये आप बोलो, सेल्फी वीडियो बनाओ, भिड़ जाना पड़ेगा, लड़ जाना पड़ेगा, लड़ोगे तो जीतोगे, आप जीत सकते हो, आप ये सब कर सकते हो, करो, बायर भी बोल सकता है, बायर भी बोल सकता है कि मैं ये प्राइस पे लेने को तैयार हूँ लेकिन ये सोसाइटी जो है वो प्राइस बढ़ाने पे तुले हुए, मैं उस प्राइस पे लेने तैयार नहीं हूँ, मैं छोड़ दूंगा सौदे को, और अगर मैं सौदा छोड़ के चला गया तो सेलर का नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान का कारण सिर्फ सोसाइटी होगा। बोलो, बात करो, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ेंगे और जीत सकते हैं। और अगर उन्होंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा, मैं छाप दूंगा उनका डिफेमेशन का नोटिस, वीडियो में छाप दूंगा कि ये लोग अभी कह रहे हैं कि ये डिफेमेशन है, जबकि ये फैक्ट है कि वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, नहीं तो ये क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, उनसे उनके साथ पहले करेस्पॉन्डेंस करवाऊँगा और फिर वो वीडियो डाल दूंगा, मैं डालने से पहले उनको भेजूंगा ताकि वो घबराए और आपका सॉर्ट आउट कर दे। लेकिन अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है, बिल्कुल जो फैक्चुअल पोजीशन है वो पब्लिक के सामने रखना अपना अधिकार है बॉस, पूरी तरह से अपना राइट है, हम डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और सिचुएशन है, एक और सिचुएशन ये होता है कि आपका पोजीशन नहीं मिला है, बिल्डर ने आपको पोजीशन दिया नहीं है क्योंकि फ्लैट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन अग्रीमेंट चल रहा है, अग्रीमेंट के चलते आप ट्रांसफर करना चाहते हो, आप किसी और को सेल करना चाहते हो, यानी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉपर्टी है, आपने 60 लाख दे दिया है, आपने मतलब सेलर ने, फिर मुसीबत आ जाती है,
आप नहीं दे पाते हो, आप बिल्डर से कहते हो कि मुझे अब फ्लैट बेचना है, ट्रांसफ़र करना है, वो कहेगा आपका मेरा अग्रीमेंट है, आप कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। आप कहते हो कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, और अगर बिल्डर ने वहाँ पे उस सिचुएशन में रीज़नेबल चार्ज लिया, रीज़नेबल अमाउंट ऑफ चार्जेस लिए कि ट्रांसफ़र फीस इतने का पड़ेगा, फिर मैं आपका आपके साथ कैंसिल करूँगा, दूसरे बंदे को फ्लैट लेने दूंगा वगैरह वगैरह, अगर वो ऐसा कुछ करता है रीज़नेबल तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। अब अगर रीज़नेबल नहीं है, इसमें भी आप लड़ सकते हो, और अगर वो कैश मांग रहा है तो बिल्कुल लड़ो। अगर वो चेक मांग रहा है और अगर आपने दे दिया है या देने जा रहे हो कैश या चेक जो भी है, तो आप मुझे कॉल करिए, डिस्कस करेंगे कैसे लड़ना है। ये सिचुएशन थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, इसके न्यूएंसेस हैं। आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है या आपको आपके साथ अग्रीमेंट हुआ है, आपका बैंक लोन डिसबर्स हुआ है, अगर बैंक लोन डिसबर्स हुआ है तो दूसरा बंदा जो है वो आपका बैंक लोन टेक ओवर कर लेगा, बेसिकली आपका होम लोन टेक ओवर करेगा, दैट इज़ द सिचुएशन। बिल्डर का इसमें बहुत ज़्यादा कमाने का राइट नहीं है, और अगर वो ऐसे करेगा तो लड़ लेंगे, लेकिन इसके लिए भी करेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। पहले करेस्पॉन्डेंस करेंगे फिर वीडियो बनाओगे, तो इस तरह से लड़ा जा सकता है। NOC और ट्रांसफ़र फीस एक प्रथा है, जैसे सती प्रथा प्रथा थी या दहेज लेने की प्रथा थी, इट्स अ कस्टम। लीगली मोर और लेस इट इज़ रॉन्ग, मोर और लेस, क्योंकि एक छोटा सा विंडो है उसके अस्तित्व के लिए कि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का कोई कारण होता है, छोटा सा विंडो है, लेकिन उस छोटे से विंडो को अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रथा है, एक गलत प्रथा है, और उस प्रथा के खिलाफ आप लड़ सकते हो और लड़ना चाहिए। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण दियोरबंद नक्सल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।